हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम करेंगे एक और म्यूचुअल फंड का रिव्यू। ये जो रिव्यू है एक ऐसे फंड का है जिसके बारे में मेरे ख्याल से लास्ट 2-3 साल में कोई बात नहीं कर, कोई नहीं बोलता है कि सर मैं इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। मोस्टली लोग वो बोलते हैं जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है 5 साल पहले 10 साल पहले, तो सर रहूं या नहीं रहूं। तो अभी वो क्वेश्चन वहां आ गया कि सर अभी ये इन्वेस्ट करना चाहिए या हटना चाहिए इससे, तो वो क्वेश्चन मोस्टली लोग पूछते हैं। तो फंड का नाम है SGFC इक्विटी फंड, एक बहुत बड़ा स्टालवर्ट मल्टी कैप फंड रहा है इंडियन इंडस्ट्री में, बहुत पुराना फंड है, बहुत बड़े फंड मैनेजर उसको मैनेज करते हैं, मिस्टर प्रशांत जैन। तो उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। परिमल, आपको तो मेरे ख्याल से श्योरली ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा SGFC इक्विटी के साथ आपके। मेरे पिताजी की अभी भी 7500 की SIP इस फंड में चल रही है, जो अभी तक बंद नहीं हुई है। उनको वो पुराने रिटर्न अभी भी अच्छे लगते रहते, तो वो बोलते चलने दे यार, कहाँ बंद कर रहा है उसकी SIP। तो परिमल, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, तो अपन एक बार देख लेते हैं। Yes, I think we will review that. And I'll be able to tell my father that कि नहीं, हमने ये सही में बंद करनी चाहिए शायद। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ ना। Yes. तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे डिटेल में SGFC इक्विटी फंड का। ये सारा डेटा हम अपने सब्सक्रिप्शन म्यूचुअल फंड yajna.in पे रखते हैं। 200+ फंड्स का इस टाइप का डेटा वहां रहता है, और ये कहीं डेटा जो हम डिस्कस करेंगे और जो रेटिंग्स डिस्कस करेंगे, जो मेथोडोलॉजी डिस्कस करेंगे, ये कहीं भी आपको फ्री में नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर आपका काफी सारा डेटा शायद फ्री में होगा, आप क्यों पे करते हैं। बट आप देखो इसका और आप एनालाइज करो कि ये इस टाइप का एनालिसिस आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ये जो डिटेल में हम बात करते हैं। तो अब शुरू करते हैं SGFC इक्विटी फंड की बात। SGFC इक्विटी फंड जो है वो एक बहुत बड़ा फंड है, 18,500 करोड़ के आसपास का फंड है, अभी ये जून 30th की डेटा है। और अगर हम इंसेप्शन देखेंगे तो फंड की स्टार्ट डेट एक सबसे पुराने मल्टी कैप फंड, मतलब ओवरऑल फंड्स में है एक्चुअली, 1995 में स्टार्ट हुआ है ये फंड। और अगर आप रिटर्न सिंस इंसेप्शन, जैसे परिमल जी कह रहे थे कि उनके फादर अभी भी SIP कर रहे हैं क्योंकि उनको पहले बहुत अच्छे रिटर्न मिले हैं इसमें, और वो दिख रहा है यहाँ पे कि अभी भी रिटर्न सिंस इंसेप्शन 17% पर एनम के आसपास के हैं। तो बहुत ज्यादा लोग अभी भी उस वजह से यहाँ पर रहे हैं। और अब हम इसकी मार्केट कैप की बात करते हैं कि है ये एक मल्टी कैप फंड, लेकिन कभी भी ज्यादा लार्ज, मोस्टली हमेशा लार्ज कैप ओरिएंटेड मल्टी कैप फंड रहा है। परिमल, आप देखोगे मतलब लास्ट 10 साल का मैंने डेटा यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है हमने, तो ऑलमोस्ट 70-75% से लगातार ऊपर है। और अभी जो है लास्ट 1-1.5-2 साल में तो मतलब ऑलमोस्ट 87-90% के आसपास का एक लार्ज कैप एलोकेशन ले लिया है, मतलब नेग्लिजिबल मिड कैप स्मॉल कैप एलोकेशन रखा है अभी। राइट, तो अभी क्या है, आप कौन से फंड हाउस है हम उसके बारे में भी बात करते हैं। तो डेफिनेटली इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट फंड हाउस है, उससे ही एसोसिएटेड है, बहुत पुराना फंड हाउस है। और फंड जो है एक्चुअल में इस फंड हाउस ने स्टार्ट नहीं किया था, ये पहले एक ज्यूरिख इंडिया म्यूचुअल फंड था परिमल, राइट। वो ऐसे ज्यूरिख इक्विटी फंड की तरह ये चलता था 95 में, फिर जो SGFC ने उसको एक्वायर किया 2003 में, और फिर ये SGFC इक्विटी फंड बना। और उसकी वजह से हमने इसको यहाँ पर तो ग्रीन स्टार दिया है क्योंकि फंड बहुत बड़ा है, एक अच्छी मेथोडोलॉजी का फंड है, बहुत बड़ा मतलब नाम है इसका, और अपनी लिस्टेड कंपनी भी है एक्चुअली SGFC, एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है बिल्कुल, और मतलब फंड मैनेजर्स भी बहुत एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स हैं मतलब इस AMC के पास। अब हम बात करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट कैसे चेंज हुआ है। देखने में लगता है कि यार 18,500 करोड़ अभी भी मैनेज करता है ये फंड, लेकिन परिमल आप देखो अगर हम लास्ट प्लॉट करें इस डेटा को, राइट, तो आप ये देखो कि 18,500 तो वो एक्चुअल में जून 2015 में ही पहुंच गया, जनवरी 2015 मतलब, तो उस टाइम ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ वहां पर ये पहुंच गया था। फिर आप देखिए ये बढ़ा 23,000 करोड़ के आसपास गया, और फिर गिरा और फिर वापस गया, और अब जो है ये आ गया है 18,500। तो कंसिस्टेंटली लास्ट 4-5 साल में फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं बढ़ा है, और ये ग्रोथ चार्ट से दिख भी रहा है, ग्रीन कलर का ग्रोथ चार्ट है जो है। यस, आई थिंक कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है अगर हम ग्रोथ के नंबर्स देखते हैं, परसेंटेज ग्रोथ कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो ये लगाडनेस इसलिए है बिकॉज द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड, जब हम इसके परफॉर्मेंस पैरामीटर्स देखेंगे, ट्रेलिंग रिटर्न्स, कैलेंडर ईयर रिटर्न्स, रोलिंग रिटर्न्स, आई थिंक वहां पे ये सारी चीजें जस्टिफाई हो जाएगी। बट कैसा है एसेट अंडर मैनेजमेंट में, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क, स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस अक्रॉस
बैंकिंग सेक्टर, बैंक्स जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इस फंड को, उसकी वजह से, एंड जो पुराने पुण्य किए हुए हैं इस फंड ने, उस वो पुण्य अभी भी आई थिंक उसी के चक्कर में आई थिंक बेनिफिट्स कंटिन्यू हो रहे हैं इस फंड के साथ. अदरवाइज रिसेंट परफॉर्मेंस इज नॉट दैट गुड, जो हम अभी डिस्कस करेंगे. बिल्कुल, तो इसकी वजह से यहाँ हमने येलो स्टार एक स्टार कम किया है, बिकॉज 4-5 साल से एसेट अंडर मैनेजमेंट नहीं बढ़ा है. दो एक बहुत बड़ा, अभी भी बहुत बड़ा फंड है, नो डाउट इन इट, लेकिन 4-5 साल से नहीं बढ़ा है, तो हमने यहाँ पर उसको येलो रखा है. Right. अब हम जाते हैं रिटर्न पे, तो यहाँ पर अब बात करनी शुरू करेंगे कि आप जैसा बोल रहे हैं कि रिटर्न्स कैसे हैं, और उससे शायद वो डायरेक्टली कोरिलेटेड रहता है मोस्टली एसेट अंडर मैनेजमेंट. और तो ये आप 1 ईयर में देखिए, तो 1 ईयर में वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग मल्टी कैप फंड है. राइट, ये June 30th का डेटा है, तो -24% 1 ईयर का उसका रिटर्न रहे हैं. 3 ईयर रिटर्न, ट्रेलिंग रिटर्न भी बहुत खराब रहे हैं, और 5 ईयर भी दोनों कैटेगरी एवरेज, और आई थिंक 1, 3, 5, 10 हर जगह पे अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, टू द कैटेगरी ऑल्सो एंड टू बेंचमार्क ऑल्सो. So that is the main reason why we are seeing the sluggishness in the assets under management growth. Or फिर हम बोल सकते हैं या फिर degrowth क्यों हो रही है इस fund के assets under management. That is the reason. Yes. और calendar return जो consistency दिखाता है, वहाँ पर भी परिमाण की consistency नहीं दिख रही है. मतलब वो जैसे 2010 में जो उसने बहुत बड़ा asset under management बढ़ा था, तो वो ये देखो performance की वजह से बढ़ा. Right. Right. उसके बाद आप performance देखो, उसके बाद इसकी performance जो है कभी भी शायद कैटेगरी एवरेज वगैरह से ज्यादा. एक 2016 में थोड़ा 1-2% था, लेकिन 2015 में देखिए कितना बड़ा डिप. मतलब कैटेगरी एवरेज से 9% एक फंड अगर अंडर परफॉर्म करता है, तो बहुत बड़ा एक हिट होता है. इंडेक्स से भी लगातार परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट आई थिंक लास्ट 10 इयर्स में सिर्फ 2 बार इसने कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क को बीट कर पाया है. अदरवाइज 8 बार ये या तो बेंचमार्क से पिट रहा है या फिर कैटेगरी एवरेज से पिट रहा है. तो दोनों जगह से दोनों को बीट करने नहीं कर पाया है, तो यहाँ इसीलिए अबव एवरेज काइंड ऑफ परफॉर्मेंस बिल्कुल कहीं पे भी नजर नहीं आ रहा है इस फंड का. बिल्कुल बिल्कुल, तो वो यही है ना कि कंसिस्टेंसी. अभी ना वो इतना लंबा टाइम हो गया, काफी सारे लोग हमसे बोलते हैं कि सर शायद आप वापस आ जाए, शायद आप वापस आ जाए. तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत लंबा टाइम हो गया वेट. नहीं, बट मुझे क्या लगता है गौरव, यहाँ पे कंसिस्टेंसी है, कंसिस्टेंसी इन अंडर परफॉर्मिंग, कंसिस्टेंटली अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आई थिंक दैट इज द ओनली कंसिस्टेंसी दिस फंड इज हैविंग करंट. ट्रू ट्रू, ठीक है. और फिर रोलिंग रिटर्न्स में भी देखें तो वही हाल है परिमल. आई थिंक ये पैरामीटर तो जो हम एनालाइज करते हैं, इससे तो क्लियर यही पता चल रहा है कि इवन प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स में ये कैटेगरी एवरेज को कहीं पे भी बीट नहीं कर पा रहा है. नॉर्मली हम जो भी फंड सिलेक्ट करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ आशा की किरण नजर आती है कि भाई 3 साल में या 5 साल में या 7 साल में ये कैटेगरी एवरेज को बीट कर पाएगा. बट इस एनालिसिस में जहां पे लास्ट 10 साल के पूरे डेटा पॉइंट्स लेके हम उसके मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करके ये प्रोबेबल लो एंड प्रोबेबल हाई रिटर्न्स कैलकुलेट करते हैं, बट यहाँ पे व्हाट द परफॉर्मेंस ऑफ दिस फंड इज नॉट सजेस्टिंग अस एनीवेयर दैट इट विल बी एबल टू बीट द कैटेगरी एवरेज. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द टॉप क्वार्टाइल फंड्स जो टॉप 25% में रहते हैं, उनको तो भूल जाइए. हम तो कैटेगरी एवरेज को भी बीट नहीं कर पाएगा ऐसा लग रहा है ये फंड. So this is not at all a good sign for the investors of this fund. Absolutely. Right. तो वैसा ही SIP returns का मतलब, SIP returns देखिए आप -20% है परिमल, ठीक है. तो मतलब और ऐसा नहीं है कि चलो -20% ठीक है, markets भी खराब है, लेकिन आप benchmark को देखिए, आप category average. Yes, yes. I think that performance is huge. होता है कि इतना ज़्यादा मतलब आप एक loss नहीं दे सकते हो. Right. क्या कहते हैं customer को. राइट, तो उसकी वजह से हमने 2 रेड स्टार दिए, एक येलो. येलो भी एक इसलिए रखा है क्योंकि पहले एक 2010-11 का परफॉर्मेंस थोड़ा अच्छा था, पहले के आई थिंक दो वो पुण्य थोड़े बहुत पुण्य जो है उसके चक्कर में पुण्य की वजह से एक रखा है, बट आई एम श्योर अगर ऐसे ही चलता रहा तो 2 रेड स्टार्स एंड 1 येलो स्टार इज अ परफेक्ट रेटिंग फॉर दिस फंड ऑन रिटर्न्स पैरामीटर, नो डाउट. कहीं पे भी मतलब 10 साल के एसआईपी रिटर्न्स भी 6% पे है इस फंड के, विजावी द बेंचमार्क एंड कैटेगरी एवरेज इज स्टिल 2-3% मोर देन दिस. यस. और डेफिनेटली फंड मैनेजर की बात करें तो परिमल शायद प्रशांत जैन जी एक ऐसे फंड मैनेजर जिनके बारे में जितना बोला जाए शायद उतना कम है. राइट. और देखिए आप, हम यहाँ पर एक कैलकुलेट करते हैं परिमल, जब ये ज्वाइन किया था 2003 में इन्होंने ये फंड लिया था 16.1%, मतलब जब ये एक्वायर हुआ था फंड हाउस. राइट. तो उस टाइम से लेके अभी ऑलमोस्ट ये जो है ना कैटेगरी एवरेज के आसपास पहुंच गए. और अगर हम परिमल शायद 7-8 साल पहले देखते ना, तो 3-3 और जबरदस्त आई थिंक 4-5% का आउट परफॉर्मेंस था.
बट अभी तो ये पूरा आई थिंक रिसेंट पास्ट वाज 5-6 इयर्स वर वेरी बैड और आई से दैट रिसेंट 10 लास्ट 10 इयर्स आर वेरी बैड फॉर दिस पर्टिकुलर फंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन हियर मतलब 3 साल 5 साल के रिटर्न देख लीजिए आप और ऐसा नहीं कि सिर्फ यही फंड आई थिंक मिस्टर प्रशांत जैन इज मैनेजिंग अदर फंड ऑफ एचडीएफसी टॉप 100 बट दैट इज ऑल्सो अंडर परफॉर्मिंग इवन द हाइब्रिड वो जो बैलेंस एडवांटेज फंड है जो प्रूडेंस के नाम से जाना जाता था वो भी फंड अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है उसके रीजन शायद हमारा जो हम सेक्टर एलोकेशन या फिर स्टॉक एलोकेशन देखेंगे तो वहां पे वो रीजन पता चलेंगे बट स्टिल आई थिंक ही इज अ स्टॉलवर्ड ही हैज ही लेड दिस इंडस्ट्री फॉर क्वाइट सम टाइम तो इसीलिए हमारे जैसे यंग क्या बोलते हैं एंटरप्रेन्योर्स को या फिर एनालाइजर्स को उनको रेड या येलो स्टार नहीं देना चाहिए एंड दैट्स द मेन रीजन आई थिंक वी आर गिविंग हिम अ ग्रीन स्टार बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारे पुण्य है जो उन्होंने ओल्ड को दिए हुए उनके साथ तो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन अदरवाइज रीसेंट परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल ही ग्रीन स्टार नहीं देना चाहिए बट इनका अगर लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे ही इज अ स्टॉलवर्ड ऑफ दिस इंडस्ट्री तो आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई वी आर गिविंग हिम ग्रीन स्टार बिकॉज आई डोंट थिंक मतलब हमारा जो भी 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में उससे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फंड मैनेजर का तो उनको खराब स्टार देना विल नॉट बी राइट ऑन आवर पार्ट दैट इज द मेन रीजन व्हाई आई डोंट वांट टू गिव एनी मतलब येलो और रेड स्टार दैट इज द मेन रीजन एंड वी होप दैट ही विल बी एबल टू अगेन बाउंस बैक एंड गिव द परफॉर्मेंस टू द इंडस्ट्री वी होप दैट वेदर ही विल गिव ऑर नॉट आई थिंक टाइम विल टेल अब हम जाते हैं परिमल सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन का ठीक है तो अभी ये भी मेरे को थोड़ा एक यहां पर कंसर्निंग फैक्टर लगता है इनका कि ये फंड जो है ना दो सेक्टर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है राइट वो है फाइनेंशियल और एनर्जी फाइनेंशियल पे तो ठीक है सभी हैं मतलब मेरे ख्याल से चलो 25-30% मेरे ख्याल से एक एवरेज फाइनेंशियल होल्डिंग्स है अगर हम इक्विटी फंड एक मल्टी कैप फंड कैटेगरी की बात करें ठीक है मेरे ख्याल से 29% का है तो वहां पर आई एम स्टिल ओके बट एनर्जी सेक्टर पे 27% का एलोकेशन आपको क्या लगता है मतलब ये रहा है मतलब जो स्टैंड रहा है स्पेसिफिकली इन टू एनर्जी सेक्टर जहां पे लो पी रेशियो के स्टॉक्स है सारे बट नोबडी इज इन्वेस्टिंग इन देम रीजन बिहाइंड अर्निंग की विजिबिलिटी तो अच्छी नजर आती है बट अर्निंग्स में जो ग्रोथ चाहिए वो ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं नजर आती है एंड प्लस लॉन्गेटिविटी ऑफ द अर्निंग्स ऑल्सो वी डू नॉट नो बिकॉज द वे एनर्जी सेक्टर पिक्चर इज चेंजिंग विद द ऑल्टरनेट रिसोर्सेस नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस सो वी डू नॉट नो हाउ दिस पर्टिकुलर सेक्टर इज गोइंग टू गो बट करंटली डेफिनेटली देर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू अवेलेबल इन दिस सेक्टर बट विद द न्यू I think growth oriented or momentum chasing investors, we do not know whether that particular effect will happen or not with the easy money which is available in the market. And that's why this contra view will work or not work. I think time will tell us. But I think yahan pe thoda sa problem ho sakta hai aane wale samay mein. That's what I feel with my limited experience. Right, right. Iski wajah se abhi bahut zyada bada वो है तो हमने मतलब डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से तो फॉर श्योर रेड स्टार रखा है क्योंकि एक बिग रिस्क है दो सेक्टर हां आई थिंक दो सेक्टर में 50% के ऊपर एलोकेशन इज लिटिल बिट रिस्की नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कि बहुत ही रिस्की मतलब डाउनफॉल हो सकता है बट अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है यहां पे बिकॉज ऑफ द लैगार्डनेस ऑफ द सेक्टर्स स्पेसिफिकली अगर फाइनेंशियल सेक्टर की बात करेंगे तो ऑलरेडी देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस व्हिच आर हैपनिंग इन द मार्केट बिकॉज ऑफ दिस कोविड इशू कोविड प्रोविजंस वगैरह हम देख रहे हैं एंड आई थिंक जो मोरेटोरियम की बुक के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फिर वो बैंकिंग हो या फाइनेंशियल सर्विसेज वो प्रॉब्लम है एंड एनर्जी सेक्टर ऑल्सो जहां पे कंजम्पशन ही ऑलरेडी कम हो गया अच्छा खासा तो ऑब्वियसली इट विल ऑल्सो हैव अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन दी अर्निंग्स फॉर दीज कंपनीज टू अभी हम जाते हैं परिमल की इनके टॉप 20 स्टॉक्स देखते हैं right. अभी आप देखोगे तो मतलब ICICI बैंक तो बिल्कुल फेवरेट लग रहा है मेरे को यू मस्ट हैव सीन दैट हमने ICICI बैंक पे एक अभी क्वार्टर वन का रिजल्ट का एनालिसिस किया था और वहां पे बहुत सारे 5,500 करोड़ रुपए का प्रोविजनिंग हुआ है एंड दैट वाज क्वाइट आई फेल्ट दैट कि अगर सबका एनालिसिस हम करेंगे अब ऐसा तो नहीं होगा कि ICICI बैंक बोलेगा कि मैं सबसे ज्यादा प्रोविजनिंग करके जाऊंगा दे मस्ट बी फीलिंग दैट काइंड ऑफ प्रेशर तो वो प्रेशर
शायद इनपे भी हो सकता अभी आ सकता है बिकॉज ऑफ द अंडर परफॉर्मेंस ऑफ आईसीआईसीआई बैंक वेयर दे ही हैज एलोकेटेड अराउंड 9.1%. सो लेट अस सी बिकॉज ही वॉज एक्सपेक्टिंग 2020 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एसबीआई बैंक. सो आई थिंक तीनों स्टॉक्स इनके पोर्टफोलियोज में, आई थिंक एसबीआई इज एट नंबर 3 पोजिशन एंड इवन नीचे एक्सिस बैंक भी होना चाहिए मेरे हिसाब से. एक्सिस बैंक भी है इनका. Right. Right. तो ये तीन पे he was quite bullish actually. Right, right. तो वो ये अभी आप देखोगे तो SBI ये number 3 पे है. बहुत ही rare मेरे ख्याल से एक fund house होगा जो उसने number 3 पे एक SBI को रखा हुआ है. Right. परिमल अगर हाँ PSU allocations देखिए NTPC, Power Grid, Coal India, BPCL, अभी तो PSU है, मतलब सोच रहे हैं लोग कि होगा वो, पर पता नहीं कब होगा. I think 25-30% का allocation है PSUs में. हाँ, Power Finance, REC. Right. आप वो देख गेल तो और बहुत ही एक फोकस्ड इनका थॉट प्रोसेस है इस पे. देखिए लगातार एक नंबर ऑफ स्टॉक्स कम होते जा रहे हैं. राइट right? तो एक वो बात ठीक है, एक मेरे को लगता है. लेकिन आप देखिए 18,500 करोड़ का फंड इन्वेस्टिंग इन जस्ट 41 स्टॉक्स विद सच अ बिग पीएसयू एलोकेशन, सच अ बिग एनर्जी सेक्टर एलोकेशन. राइट. तो ये डेफिनेटली एक रेसिपी फॉर हाई रिस्क फंड है, बिल्कुल क्लियर. राइट. एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना तो मल्टी कैप फंड है ये, बट मल्टी कैप फंड होके भी 87% इसका लार्ज कैप में एलोकेशन है. तो ये लॉजिकली टेक्निकली देखा जाएगा तो ये लार्ज कैप फंड ही हो गया है बिकॉज स्मॉल एंड मिड कैप दे डू नॉट हैव एलोकेशन और हार्ड 10-12% का एलोकेशन लेके रखा है उन्होंने. एंड द काइंड ऑफ करेक्शंस वी हैव सीन इन स्मॉल एंड मिड कैप, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड व्हेन वी लुक एट द स्मॉल एंड मिड कैप इंडाइसेस व्हिच आर ट्रेडिंग 5-7 years के उनके लो पे चल रहे हैं वो. सो डेफिनेटली आउट परफॉर्मेंस का चांस वहां से भी आ सकता है आने वाले समय में. अक्रॉस द बोर्ड स्मॉल एंड मिड कैप विल डू वेल, बट देर विल बी अ लॉट ऑफ गुड कंपनीज अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर. एंड व्हेन यू हैव सच काइंड ऑफ इन डेप्थ रिसर्च कैपेबिलिटीज एंड यू हैव अ फंड मैनेजर कॉल्ड मिस्टर चिराग सेतलवार जो स्मॉल एंड मिड कैप के एकदम मास्टर है. और ऐसा नहीं होना चाहिए कि मतलब चिराग है तो बिल्कुल ही यहाँ पे ही विल नॉट कम एंड मैनेज दैट थिंग. आई थिंक अगर ही हैज दैट पर्टिकुलर potential to identify small and mid-cap stocks. So definitely as a fund house, one can take a call. I sometimes get surprised. Okay, large-cap side, Chirag don't want to play. Okay, understood. But small and mid-cap, he can add a lot of value. I genuinely feel that he should be part of that small and mid-cap portfolio to manage in a multi-cap fund. And dusra ek aur agar parimal mein lagta hai small and mid-cap mein na hone ka jo inka reason hai, jo mujhe lag raha hai, वो एक ये भी हो सकता है कि आप ये बिल्कुल फोकस अप्रोच में जा रहे हैं तो 41 स्टॉक्स और 18,000 करोड़ का एसेट अंडर मैनेजमेंट. राइट. अगर स्मॉल मिड कैप लेंगे तो इनके लिए बहुत डिफिकल्ट बेट होगी अगर इस टाइप का फोकस्ड अप्रोच रखना है. या तो फिर अप्रोच को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा. लाइक अगर आई डोंट अंडरस्टैंड समटाइम्स आई फील दैट कि व्हेन यू आर कंपेयरिंग और योर बेंचमार्क इज दैट बीएससी 500 निफ्टी 500 अगर है 500 स्टॉक का आपका बेंचमार्क है. right. Why you are restricting yourself to 41 stock, that too into a large cap category? True. Due respect to Prashant Jain, but I always fail to understand that. True. और दूसरा मतलब लेकिन ये तो है कि portfolio turnover तो हमने turnover है. I think he is quite whenever I have seen him on new channels or interviews वगैरह, he is quite comfortable. He doesn't feel any pressure also. From the critic ki bhai nahi nahi ye galat kar rahe hain, all those things he always tries and justifies his positions. And so, a lot of times he has been proven right also during the past recessions. So we do not know in this particular recession slowdown or recession we do, I think we can surely call it as a recession, how the things will be after 2-3 quarters. Let us see. I think we'll be watching that closely. अब एक्सपेंस रेशियो की परिमाण बात करते हैं तो एक्सपेंस रेशियो मुझे लगता है कि बीइंग 18,000 करोड़ फंड एंड नॉट परफॉर्मिंग राइट, मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पर चीजें मैनेज करनी चाहिए एक्सपेंस रेशियो पर्सपेक्टिव से, स्पेशली डायरेक्ट. ऐसा होता है कभी कभी, कैसा हो जाता है कि जब आपके पास पुराने एसेट्स हो जाते हैं तो पुराने एसेट्स में फिर आप यू कैन चार्ज ऑल्सो, आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी कम हो जाता है एंड यू कैन चार्ज वेल ऑल्सो. दूसरा ये है कि जैसे डायरेक्ट फंड्स, अभी आई टोल्ड यू माय फादर्स एग्जांपल, ही हैज इन्वेस्टेड इन एचडीएफसी इक्विटी फंड, ही इज स्टिल कंटिन्यूइंग सिंस लास्ट 15 इयर्स आई थिंक एसआईपी इज गोइंग ऑन एंड ही वाज क्वाइट कंफर्टेबल बिकॉज व्हेनेवर ही लुक्स एट द टोटल रिटर्न्स ऑफ द 15 इयर्स ही इज वेरी मच हैप्पी विद दोज रिटर्न्स. और उसके चक्कर में क्या हो जाता है अभी
तो ये एक बिलीफ बहुत ज्यादा है एचडीएफसी पे, और उसके चक्कर में डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी बहुत ज्यादा है एचडीएफसी के पास, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के पास, और फिर वो इतना ज्यादा देखते नहीं है, मतलब स्क्रूटिनी वगैरह, बिकॉज पुराने रिटर्न्स इतने बढ़िया आए हुए हैं, तो इवन अभी ये नया फेज आ गया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का, तो उसमें वो डायरेक्ट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड दे आर कंफर्टेबल, वो बोलते ठीक है यार ओके, मतलब इफ नियर बेंचमार्क या फिर उनके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा बहुत भी ऊपर आ गया रिटर्न, तो उनको लगता है आई थिंक इट इज अ वेरी गुड थिंग टू हैव इन्वेस्टमेंट वहां पे। ये इनके खाने के दांत है, आप बोल सकते हो कि 18,000 करोड़ रुपीज का फंड है एंड डायरेक्ट प्लान में दे आर चार्जिंग 1.2% कंपेयर टू द जो कैटेगरी एवरेज है वो 1.1% का है, तो विदाउट बीटिंग कैटेगरी एवरेज और बेंचमार्क यू आर चार्जिंग 1.2%, आई थिंक दिस इज नॉट अ गुड थिंग, और इसीलिए हमें रेड स्टार देना चाहिए इस फंड को ऑन द एक्सपेंस रेशियो पैरामीटर। और रिस्क तो मेरे ख्याल से अब जो हमने डिस्कस किया है वो क्लियर है, जैसे हमने बात किया है कि एक बीटा इज हाई आर कंपेयर टू कैटेगरी एवरेज, बीटा इज हाई मींस वोलेटिलिटी विल बी ऑन हायर साइड, चलो ठीक है भाई आपका बीटा ज्यादा है तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, बट यू कैन यू आर क्रिएटिंग मोर अल्फा, तो वो भी सीन यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है, तो वहां पे भी वो अंडर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। पी रेशो में इसलिए हमें पी रेशो कम दिख रहा है बिकॉज ऑफ द एलोकेशन टू पीएसयू सेक्टर, दैट इज द मेन रीजन व्हाई दिस इज डाउन, बट उसके लिए हमने मतलब ऐसा कुछ बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देना चाहिए, सो आई थिंक ऑन दिस पर्टिकुलर पैरामीटर आल्सो वी शुड गिव रेड स्टार, नो डाउट। तो मुझे लगता है कि पूरी एक डिस्कशन की जो अगर हम समरी देखेंगे राइट, तो ये हमने यहाँ पर रेटिंग्स दिए हैं तो रेटिंग्स तो लोग चेक कर सकते हैं, बट ओवरऑल डिस्कशन की समरी ये है कि ये फंड जो है उनके लिए है जो लोग मतलब बहुत हाई रिस्क लेना चाहते हैं, जिनको लगता है कि ये पीएसयू के बाउंस बैक कर सकता है और एक अच्छा मैं, मेरा तो ये सजेशन है कि उन लोगों ने एचडीएफसी इक्विटी में पैसा डालना चाहिए जिनको प्रशांत जैन पे बहुत भरोसा है वही बस, बाकी हमने कुछ बोलना ही नहीं चाहिए भाई, अगर आपको लगता है कि प्रशांत जैन पे आपको पूरा भरोसा है कि ही विल बाउंस बैक, देन एंड देन ओनली यू शुड, सो दिस इज अ कॉल नॉट ऑन द पोर्टफोलियोज, नॉट ऑन द स्ट्रेटजीज ऑफ द फंड हाउस, दिस इज अ कॉल यू नीड टू टेक ऑन मिस्टर प्रशांत जैन, इफ यू फील मिस्टर प्रशांत जैन विल डिलीवर then and then only you should invest in this fund, otherwise with two green star and five red star and three yellow star from performance point of view though I will not suggest, aur usme bhi jo do green star hai ek fund house ko hai ek fund manager ko hai aur dono parameter agar waise dekha jaye to one can ignore actually ki agar aapko pure quantitative analysis pe ya qualitative analysis pe dekhna hai to you should focus on other parameters jo red ya fir yellow hai not green, वो किसी ने भी देखना चाहिए वो चीज। चलो भाई आई थिंक इट वाज अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन, जिसका भी ये क्वेश्चन है एचडीएफसी इक्विटी के, आई होप एवरीथिंग इज सॉर्टेड, दे अंडरस्टैंड व्हाट आर द रिस्क, व्हाट आर दे एंटरिंग इनटू, राइट राइट, और अगर एग्जिट भी करना है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे को लगता है कि सब क्वेश्चंस जो है उनके आ गए होंगे। ट्रू, चलो थैंक्स अ लॉट परिमल फॉर योर टाइम, थैंक यू गौरव, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद।